जोलू चिप्स चैलेंज, वो भी अपनी आरसी कार के साथ में, 7500 वाली आरसी कार के साथ में। दोस्तों आज की वीडियो का ट्रैक काफी ज्यादा लंबा है और जोलू चिप्स का है गाइस दोस्तों बहुत ही ज्यादा दूर है, लेकिन जो मैं ट्रैक बनाया ना स्पेशली ये वाली गाड़ी के लिए वो काफी लार्ज और थिक है। दोस्तों आइए भाई ट्रैक के ऊपर इसको पहले चलाते हैं सेकेंडरी, उसके बाद जोलू चिप्स के पास से ये वाली गाड़ी जाएगी और देखिए जोलू चिप्स कहाँ पर छुपा हुआ है। दोस्तों काफी ज्यादा मजा आने वाला इस वीडियो के अंदर, क्योंकि आज मैं काफी लंबा ट्रैक भी बना चुका हूँ गाइस। गाइस आपको जोलू चिप्स के बारे में नहीं मालूम तो मैं आपको समझाऊंगा, एक काफी ज्यादा तेज मिर्ची का चीज रहता है दोस्तों, उसको बोलते हैं अपन स्लेस वाला चिप्स। अगर वो चिप्स खाए ना आसमान निकल जाता है, तो मैं ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है, वहां से अपनी गाड़ी आ जाएगी दोस्तों। आने के बाद फिर इधर कुर्सी आएंगी दोस्तों, इधर काफी बड़ी कुर्सी आएंगी, इस कुर्सी के ऊपर अपनी गाड़ी आएंगी, फिर यहाँ से गाड़ी होने के बाद ये टेबल के ऊपर से होने के बाद यहाँ पे बॉटल्स का ट्रैक आएगा दोस्तों। मैं आपको और भी डिटेल से ट्रैक एक्सप्लेन कर दूंगा कैसा मैं बनाया ट्रैक बोल के, काफी वहां से शुरू होता अपना ट्रैक और यहाँ से खत्म हो जाता है। जोलू चिप्स ऑन द ऑर्डर है, जैसे आते कि मैं आपको बता दूंगा। पटरी के ऊपर आएंगे, पटरी के ऊपर आने के बाद सीधा ये कुर्सी के ऊपर आएंगे, फिर कुर्सी से फिर नीचे गाड़ी उतरेंगी इस टेबल के ऊपर, फिर यहाँ से अपनी गाड़ी ये वाले छोटे छोटे बॉटल्स के ऊपर आएंगे। पहला लेवल ये रहा, फिर दूसरा ये है, और ये तीसरा लेवल है बॉटल्स का, फिर फोर्थ लेवल के ऊपर गाड़ी आएंगी, फिर फिफ्थ लेवल के ऊपर भी गाड़ी आ जाएंगी। पहले बॉटल काफी ज्यादा भयंकर और मोटा वाला श्रद्धा बॉटल मैंने रख दिया है, जो कि मिरिंडा का बॉटल है, फिर जैसे ही यहाँ पे होने के बाद थम्स अप का बॉटल आ जाएगा, फिर जैसे यहाँ पर होते कि भाई स्लाइस का बॉटल आ जाएगा, फिर स्लाइस का बॉटल होने के बाद फिर और एक एक बॉटल आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर साबुन आएंगे, जिसके ऊपर अपन छोटे छोटे साबुनों का सेट सेट करके रख दिए। ये साबुनों के सेट के ऊपर से गाड़ी उछल के फिर यहाँ पर मैंने अपनी बड़ी सी महिंद्रा थार रख दिया है भाई, टूटी वाली थार, ये वाले थार के ऊपर से मैंने टेपिंग भी कर दिया है। थार यहाँ पर चढ़ने के बाद यहाँ पर जोलू चिप्स आएगा, ये डब्बे के अंदर तो नहीं है लेकिन ऑन ट्रैक पे दोस्तों, ऑर्डर पे, वो ऑर्डर अभी आने वाला है 5 मिनट्स के अंदर, तो यहाँ पर गाड़ी आ जाएंगी, फिर यहाँ पे टकराएंगी, तो मैं इसको खोल के आपको बता दूंगा गाइस, खा के भी बताऊंगा मैं आपको कितना ज्यादा तेज रहता है बोल। आइए भाई ये वाली गाड़ी को चलाना शुरू करते, ये वाले से दर्दनाक वाले ट्रैक के ऊपर भाई साहब, ये दिखने में ही काफी ज्यादा खौफनाक भाई डरावनी ट्रैक है, वहां से जो शुरू होता है ना यार, यहाँ से ये खत्म हो जाता है ये देखो। तो आप देखो दोस्तों ट्रैक को चालू करेंगे और ये वाली गाड़ी को मैंने ऑन भी कर दिया है। ओके गाइस चलो वापस मैं अपनी गाड़ी को भिजा रहा हूँ टेबल के पास दोस्तों। इधर लाइटिंग क्वालिटी काफी ज्यादा कम है, इस कारण डिम दिख रहा है दोस्तों। ये देखो भाई टेबल के पास गाड़ी जा चुकी है, मून बक्की दिख रही है भाई पीछे से, तो ये मेरे को ऐसा चढ़ के जाना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि इधर कुछ भी सहारा नहीं है चढ़ के जाने का। ये देखो सहारा डेजर्ट के जैसा मेरे को यहाँ पे कूदना पड़ा दोस्तों। ओ माय गॉड, लाइटिंग सिस्टम बहुत ही वीक है इधर का। गाइस ये रही अपनी गाड़ी, अगर यहाँ से गाड़ी का बैलेंस आउट पाना, ये यहाँ से गिर भी सकती है भाई। ओके मैं इसको आगे करने वाला हूँ। लाइटिंग क्वालिटी काफी ज्यादा कम है गाइस, प्लीज इग्नोर मारना। यहाँ से मैं पटरी के ऊपर से गाड़ी को निकाल चुका, अगर जरूरी सी भी गलती हुई ना, यहाँ पे खतरों की खिलाड़ी के जैसा गाड़ी टूट जाएंगी दोस्तों, 7000 रुपए की बर्बादी हो सकती है। ये देखो गाइस यहाँ पे लाइटिंग क्वालिटी इतनी कम है ना यार, थूकना पड़ रहा है। ये देखो गाइस मैं अब आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, अपनी गाड़ी यहाँ पे गिरेंगी ना तो फसली इसके टूटेगी दोस्तों, क्योंकि इधर देखो यार क्या होने वाला है मेरे को भी नहीं मालूम दोस्तों। इसको टर्न करके डायरेक्ट अगर मैं कुछ भी गलती करूंगा ना, ये रहे दर्दनाक सीढ़ियां, यहाँ से गाड़ी गिरी तो फसली टूट सकती है। ओके आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं, सरप्राइजली गाड़ी यहाँ तक आ चुकी है, आगे बढ़ाने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ये लो गाइस अगर ये आगे गिर गई ना मेरे छूट जाएंगे दोस्तों। आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्यूबलाइट के ऊपर गाड़ी आ चुकी है। अरे बाप रे, यहाँ से गाड़ी अटक चुकी है, मेरे को नहीं मालूम गाड़ी निकलती नहीं निकलती गाइस इधर से। ये देखो गाइस गाड़ी नीचे गिर चुकी है, अभी इसको आगे बढ़ाने की मैं कोशिश करूंगा। ये देखो गाइस पूरी तरीके से करेक्ट हो गई गाड़ी, देखो रिवर्स करके मैं सही कर दिया हूँ। ये देखो गाइस गाड़ी ब्रिज के ऊपर से भी उतर चुकी है, अभी इसको वापस डब्बों के ऊपर सेट कर देंगे दोस्तों। ये डब्बों के ऊपर तो नहीं गिरी यार, इसको आगे पीछे करके वापस सेट कर देंगे। ये लगता है गाड़ी की उम्र हो गई। ये देखो गाइस इसको वापस में सेट कर दिया है, अभी ये डब्बों के ऊपर से चढ़ के निकलने वाली है। ये देखो गाइस ये कंप्लीटली डब्बों के ऊपर भी नहीं चढ़ रही है भाई, डायरेक्ट बॉटल की तरफ आ चुकी है। आगे करेंगे इसको थ्रॉटल दबा के, अब ये पहले लेवल को इसने पार कर लिया है, इसके शॉक अब्जर काफी ज्यादा मजबूत है गाइस। आगे करेंगे, ये देखो भाई गाड़ी आ चुकी है, सेकेंड लेवल के अंदर भी गाड़ी आ चुकी है, यानी कि बॉटल्स के ऊपर ये तो बहुत ही इजीली चढ़ चुकी है गाइस। ये देख सकते हो आप, काफी बेहतरीन ये चढ़ रही है। अभी इसको मैं यहाँ से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखो आगे भी ये बढ़ चुकी है, फिर से और आगे बढ़ेंगे गाइस। पेट्रोल दे रहा हूँ, आगे बढ़ती गाड़ी के निकल चुकी है गाइस। ये वाले बॉटल्स को भी भाई, अभी वाले बॉटल्स को इसने पुश करना होगा, ये वाले बॉटल को दम है नहीं है, ये जापान की गाड़ी के अंदर देख लीजिए गाइस। अरे बाप रे भाई, दम तो है गाइस गाड़ी के अंदर। ये देखो बॉटल को इसने कोने में फेंक दिया है,
ठीक है आगे बढ़ेंगे गाड़ी को। अरे बाप रे ये मॉडल को उसने चढ़ा दिया है, आगे बढ़ेंगे। इस स्काई के ऊपर से चढ़ चुका है, एक बॉटल इसके ऊपर ये कंप्लीटली आ चुकी है, आगे बढ़ा के कोशिश करिएगा। ये देखो आगे आ चुकी है गाइस अपनी गाड़ी। अरे बाप रे भाई ये देखो गाड़ी वापस सीधा हो चुकी है, ये थ्रॉटल मैंने आ चुका हूँ भाई। अभी यहाँ पे आ चुका है जंबो बॉटल, अभी जंबो बॉटल के ऊपर से भी देंगे गाड़ी को। अरे बाप रे भाई ये जंबो बॉटल के ऊपर से भी पार करेगा यार, यहाँ पर आके अटक चुकी है क्योंकि जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफी ज्यादा कम है, नीचे बैटरी और ये बॉटल काफी ज्यादा मोटू है। आगे बढ़ेंगे गाड़ी को, गाड़ी अटक चुकी है, मैं आगे करने वाला हूँ ये। अरे भाई ये तो सड़ी में आ रही है यार। ओके वापस सही में रख देंगे इस पोजीशन के ऊपर। ये देखो फिर ये न्याय से होने के अपनी महिंद्रा थार के ऊपर से चढ़ के फिर यहाँ पर जोलो चिप्स का बॉक्स है गाइस। ओके आगे देखेंगे गाड़ी आ सकती है क्या भाई, ये चढ़ चुकी है गाइस अपनी गाड़ी। ये देखो गाइस ये इतनी चढ़ चुकी है भाई, अब ये यहाँ पर आ चुकी है सोप्स के ऊपर, के ऊपर ये चढ़ेगी नहीं चढ़ेगी नहीं मालूम गाइस। ये देखो ऑलमोस्ट ये गाइस गाड़ी तो ट्राई कर रही है चढ़ने के लिए, ये मैंने चला दिया है। अरे बाप रे गाइस गाड़ी के अंदर काफी ज्यादा दम लगाना पड़ रहा है गाड़ी को, गाड़ी बहुत जल्दी अटक गई गाइस। ये देखो आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे गाइस गाड़ी को, गाइस गाड़ी आगे तो बैठ रही है लेकिन काफी ज्यादा स्पीड चल रही है। अरे बाप रे भाई इसने साबुन को पार कर दिया है। ओके अब ये डायरेक्ट महिंद्रा थार के ऊपर चढ़ने वाली है गाइस गाड़ी। ये लो गाइस गाड़ी के अंदर पावर तो है और ये वाला जो साबुन है ना ये साबुन के ऊपर चढ़ने वाली है गाड़ी। एक्चुअल में वैसे दिख रहा है तो ये मैंने टोटल दे दिया है गाइस, गाड़ी चढ़ चुकी है गाइस महिंद्रा थार के ऊपर, ऑलमोस्ट चढ़ चुकी है सोप के ऊपर से। अब ये महिंद्रा थार के ऊपर से चढ़ने वाली है गाइस, ये देखो अपनी शक्तिशाली महिंद्रा थार आने वाली है। ये इजीली महिंद्रा के ऊपर भी चढ़ चुकी है गाइस, ये देखो महिंद्रा थार ये है, ये जयबैंक की कार है गाइस। ओके इसके अंदर है या नहीं है यार जोलो चिप्स वो भी देख लेंगे। ओके अरे बाप रे ये कौन सा चिप्स यार, अरे ये तो लेस निकल गया ओ तेरी भाई साहब, ये देखो ये तो गाड़ी प्रैंक कर दिया यार मेरे साथ में। गाइस मेरे को तो जोलो चिप्स नहीं आया अभी तक, बहुत ज्यादा टाइम भी हो चुका था तो मैंने एक ऑलरेडी चिप्स खरीद के ला चुका हूँ, इसको मैं सेम टू सेम जोलो चिप्स के जैसे ही बनाने वाला हूँ। जोलो चिप्स आखिरी तेज रहता है और काफी ज्यादा तेज वो बनता है दोस्तों। तो आज मैं क्या करने वाला हूँ, ये मिर्ची दिख रही है ना दोस्तों, मिर्ची इसके अंदर डाल के देखूंगा कितना ज्यादा ये फीका बनेगा। ऑलरेडी इसके अंदर रेड मिर्ची इधर उतरी हुई है दोस्तों, ये काफी ज्यादा तेज रहता है। मार्केट में ना जोलो चिप्स के काफी ज्यादा कॉपीज आ गए तो वो कॉपीज का ये एक चीज है गाइस, तो मैं ये सेफ्टी पर्पस के हिसाब से ये चश्मा पहन रहा हूँ, मिर्ची आंख पे भी जा सकती है उड़ के। तो ये देखो गाइस ये लाल मिर्ची है, मैं आपको बताता हूँ, ये देखो गाइस ये करीबन लाल मिर्ची है। अब मैं इसके अंदर डालने वाला हूँ, ये देखो गाइस कुछ मैं वैसा डाल चुका हूँ मिर्ची, अब मैं इसको खिलाऊंगा कुछ ऐसा से पर्पस। तो गाइस देखो मैंने इसको खिला दिया कम्प्लीटली, एक टिक्का मैं निकालेंगे इसके अंदर का फिर देखेंगे। ये देखो गाइस अब मैं इधर से फाड़ने वाला हूँ तो भी एक तेज, ये देखो ये जोलो चिप्स के जैसा ही बन गया अभी अंदर आप देख सकते हो। तो ठीक है गाइस ये जोलो चिप्स के जैसा ही दिख रहा है भाई, ये देखो भाई ये कितना ज़्यादा तेज बन चुका है, क्या होने वाला है इसको खाने के बाद मेरे को भी नहीं मालूम गाइस। ओके मैं इसको अंदर डालूंगा, सबसे पहले ये नॉर्मल टेस्ट करूंगा गाइस, तो हल्का सा टेस्ट है गाइस, ज़्यादा भी टेस्ट नहीं है, तो ये वाला टेस्ट करेंगे। ये बहुत ज़्यादा तेज रहता है जोलो चिप्स के जैसा ही, मैं चश्मा निकालने वाला हूँ आपको रियलिटी बताने वाला हूँ, रियलिटी में बहुत ज़्यादा तेज है भाई, एक्सट्रीमली मुँह में डालते ही जलन महसूस हो रही है। ओके भाई बहुत ज़्यादा तेज है जोलो चिप्स के जैसा ये बन चुका है भाई, अब ये नेक्स्ट नॉर्मल है। ओके ज़्यादा तेज भी नहीं बोल सकते, ज़्यादा वो भी नहीं बोल सकते भाई, मुँह जल रहा भाई।